हमारी आज की रेसिपी है पोटैटो नूडल फिंगर्स। ये बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस है, तो इन्हें इस बारिश के मौसम में ट्राई करना तो बनता ही है। पोटैटो नूडल फिंगर्स बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, मैगी, मैदा, चावल का आटा, बारीक कटा हुआ प्याज और मैगी मसाला। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और एक ग्रेटर की हेल्प से उबले हुए आलू को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो आलू को हाथों से मसल भी सकते हैं, पर ग्रेट करने से फिंगर्स का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसके अलावा हम डालेंगे चाट मसाला और चावल का आटा। सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं और एक डो बना लें। हमारे पोटैटो नूडल फिंगर्स का डो बिल्कुल तैयार है। अपने हाथों में तेल लगाएं और थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेकर उसे फिंगर्स का शेप दें। इसी तरह हम बाकी के फिंगर्स भी बना लेंगे। अब हम मैगी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। आप चाहें तो बेलन के हेल्प से मैगी को इस तरह तोड़ सकते हैं। अब बारी है एक बैटर बनाने की। इसके लिए एक बाउल में मैदा डालें और उस पे मैगी मसाला मिला लें। मैदा और मैगी मसाला को अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक बैटर बना लेंगे। ध्यान रहे बैटर में गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए। हमारा बैटर तैयार है। चलिए अब फिंगर्स को कोट कर लेते हैं। अब हम एक एक करके पोटैटो फिंगर्स को लेंगे, उसे बैटर में डिप करेंगे और फिर नूडल से कोट कर लेंगे। हमारा पोटैटो फिंगर नूडल से अच्छे से कोट हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के फिंगर्स भी तैयार कर लेंगे। फिंगर्स को फ्रिज में 15 मिनट तक सेट होने दें। एक पैन में तेल गरम करें और एक एक करके पोटैटो फिंगर्स को उसमें डाल दें। इन फिंगर्स को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। जैसे ही पोटैटो फिंगर्स एक तरफ से फ्राई हो जाए तो उन्हें पलट दें। हमारे पोटैटो नूडल्स फिंगर में बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। अब हम उन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे पोटैटो नूडल फिंगर्स बिल्कुल तैयार है। इन्हें टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। आप देख सकते हैं ये फिंगर्स कितने क्रिस्पी और यमी दिख रहे हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें।